प्रणाम सभी मीडिया के बंधुओं को, भगनियों को, श्रद्धे आचार्य श्री जी को, जिनके नेतृत्व में यह पतंजलि का अभियान विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। पतंजलि समूह ने पिछले वर्ष 10,561 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया है, जो कि एफएमसीजी की दुनिया में अपने आप में एक हिस्ट्री है। 10,561 करोड़ रुपए के इस टर्नओवर में पतंजलि आयुर्वेद का 9,346 करोड़ रुपए, दिव्य फार्मेसी जिसमें हम ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक नेचुरल मेडिसिंस बनाते हैं, मुक्तावटी, मधुनाशिनी, हृदयामृत, रस रसायन, भस्म, पिष्ट, अवलेह, चूर्ण, पाक आदि जो आयुर्वेद का जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है वो उसमें हम करते हैं, उसमें 870 करोड़ रुपए। और आपकी जानकारी के लिए, विशुद्ध रूप से आयुर्वेद की औषधियों में ये किसी भी आयुर्वेद की फार्मेसी का सबसे बड़ा टर्नओवर है। इसमें कोई साबुन शैम्पू नहीं है, इसमें किसी भी तरह का कोई हेल्थ ड्रिंक नहीं है, ये विशुद्ध रूप से आयुर्वेद की औषधियों की मैं बात कर रहा हूँ। कि दिव्य फार्मेसी जो विगत 25 वर्षों से काम कर रही है और पिछले 23-24 वर्षों से हमने निरंतर उसके अंदर अध्ययन शोध अनुसंधान करके नए नए उत्पाद दिए हैं। दुग्धामृत पशु आहार, मनुष्य के खाने में एडल्टेशन ना हो इसके लिए तो बहुत लोग चिंता करते हैं कि स्वस्थ आहार हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन पशुओं के आहार के बारे में चिंता नहीं थी। इसलिए हमने दो बड़े प्रयास किए पशुधन को बचाने के लिए, एक तो यूरिया रहित दुग्धामृत पशु आहार, और गाय जो दूध नहीं दे पाती उसके मूत्र से हमने गोनाइल बनाया। अभी करीब 1,00,000 बोतल हम रोज बना रहे हैं इस गोनाइल की, और अभी इस वर्ष हमारी योजना है फ्लोर क्लीनर के नाम से, हम लोग फिनाइल और तमाम तरह के केमिकल्स यूज करते हैं, ये जड़ी बूटियों वनस्पतियों के ऑयल से और जो एंटीबैक्टीरियल जो प्रॉपर्टीज हैं वनस्पतियों में उनके सहयोग से और गोमूत्र से हमने तैयार किया, ये माने बेस्ट फ्लोर क्लीनर है गोनाइल। इस साल हम इसकी 5,00,000 बोतल प्रतिदिन बना रहे हैं। अभी तक पतंजलि ग्रामोद्योग में 345 करोड़ रुपए, कुल मिलाकर के ये 10,561 करोड़ रुपए का मैंने पतंजलि का टर्नओवर का आपके सामने आंकड़ा रखा। इस समय हमारे पास में 30,000 से 35,000 करोड़ रुपए की ईयरली प्रोडक्शन कैपेसिटी है, और अगले साल तक 60,000 करोड़ रुपए से अधिक प्रोडक्शन की कैपेसिटी इन हाउस हम बिल्डअप कर देंगे। तेजपुर में आज़ादी के 70 वर्षों के बाद जो नहीं हुआ है वो पतंजलि ने कर दिया है ऑलरेडी। वहाँ अकेले असम के तेजपुर में 25,000 करोड़ रुपए वैल्यू के प्रोडक्शन की कैपेसिटी है। आपके पड़ोस में यहीं नोएडा में, यहाँ पर भी लगभग 400 एकड़ जमीन वो पतंजलि ले चुका है, और हमने किसी से कृपा में याचना नहीं की है जमीन की, जो भी उसकी वैल्यू है उसको चुका करके हमने ये जमीनें खरीदी हैं। नोएडा में भी जो यूनिट लगने वाली उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत बड़ी है, वहाँ पर भी कम से कम 20-25,000 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन की कैपेसिटी के प्लांट लगाएंगे, वो कार्य शुरू हो चुका। इसी तरह से नागपुर में भी करीब 15,000 से 20,000 करोड़ की प्रोडक्शन कैपेसिटी के प्लांट्स लगने शुरू हो चुके हैं। इंदौर मध्य प्रदेश में भी 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोडक्शन की कैपेसिटी के प्लांट लगने शुरू हो चुके हैं, और आंध्र प्रदेश में भी विजयनगर में स्पाइस से लेकर के और साउथ में जितनी आवश्यकता है
उतने फूड प्रोडक्ट्स के कैपेसिटी के प्लांट वहाँ लगेंगे। चार बड़े ये पतंजलि आयुर्वेद हरिद्वार के अलावा ये पांच स्थानों पर बड़े प्लांट लगेंगे और जम्मू कश्मीर में भी तैयारी चल रही है। पूरे देश में लघु उद्योग, गृह उद्योग आदि के माध्यम से झारखंड आदि में भी अनेक स्थानों पर ये कार्यक्रम चल रहा है। एक तो हमारे मुस्लिम भाइयों को भ्रमित करने के लिए कि पतंजलि के हर प्रोडक्ट में गोमूत्र होता है। भाई लेबलिंग के कानून है देश में, लेबलिंग का लो है कि आप जो डालेंगे वो लिखना पड़ेगा। पैकेजिंग के लेबलिंग के लो हैं, तो पतंजलि के किसी भी प्रोडक्ट में क्या डला हुआ है वो सारा का सारा हर एक के ऊपर लिखा रहता है, चाहे वो दंत कांति है या केश कांति या कोई भी मेडिसिन है। हमारी मात्र 5 औषधियों में गोमूत्र मिलता है और उसमें पीने वाली खाली गोमूत्र का अर्क है जिसके ऊपर गोमूत्र अर्क लिखा हुआ है, बाकी 4 चीजें बिना खाने वाली हैं। तो जिसको कैंसर है, ओबेसिटी है, अब ये गोनाइल नाम ही गायब, गोनाइल गोमूत्र से हम तो इसका विज्ञापन देते हैं कि गोमूत्र पवित्र गोमूत्र और एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से हम इसको बनाते हैं। तो हम कोई छुपाते नहीं है, कोई लुका छुपी का खेल नहीं है, कोई हिडन एजेंडा नहीं है। गोमूत्र, गोनाइल, इसी तरह से एक पंचगव्य और संजीवनी तथा कायाकल्प तेल, इसके अलावा किसी औषधि में करीब 1000 पतंजलि के प्रोडक्ट्स हैं, कहीं पर गोमूत्र नहीं है। ये तो मैं एक मुस्लिम कम्युनिटी, हमारे देश में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है और उसमें कुछ लोगों ने भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की। अगला, पिछले दिनों एक और अफवाह उठी कि पतंजलि का जो आंवला का जूस है उसके स्टैंडर्ड को लेकर के प्रश्न उठाए। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताता हूँ, FSSAI में अभी आंवले का जूस को लेकर के कोई स्टैंडर्डाइजेशन का काम हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये जो जूस है ये कोई फ्रूट जूस नहीं है, ये मेडिसिन की कैटेगरी में आता है। और इस पर आपने देखा होगा कहीं पर भी FSSAI की हमने मोहर नहीं लगा रखी। बाकी जितनी भी हमारा आटा है या हमारे चावल हैं या बिस्किट है, आपको सब जगह FSSAI का लोगो दिखाई देगा, सब समय FSSAI का आपको लोगो दिखेगा। इसमें कहीं पर भी FSSAI का लोगो नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि हमने इसका आयुर्वेद के लाइसेंस में इसको लिया हुआ है, और आयुर्वेद के लाइसेंस में इसलिए लिया है क्योंकि एक मेडिसिन है ये, और ये मेडिसिनल जूस है, ये कोई फ्रूट जूस नहीं है। और इसके लिए जो आयुर्वेद में आयुष मंत्रालय के द्वारा जो निर्धारित मापदंड हैं उसमें जो TSS का जो प्रश्न उठाया गया था, 8 से ऊपर होना चाहिए। पतंजलि के आंवला जूस में 8.5% है, और एक बात मैं बहुत प्रामाणिकता से कहता हूँ, जब भी 5-6 महीने पतंजलि का आंवला जूस निकलता प्लांट में आकर के देखिए, हाईली ऑटोमेटिक प्लांट है, एक बूंद भी पानी का अथवा किसी भी तरह की दूसरी एडल्टेशन का इसमें प्रश्न ही नहीं हो सकता। तो ये तो पूरे देश में उपलब्ध है, कोई भी इसको जांच करवा सकता है। तो कलर को लेकर के, इसके टेस्ट को लेकर के किसी भी एडल्टेशन का कोई प्रश्न नहीं। तो जो TSS का प्रश्न उठाया गया था टोटल सॉलिड का, उसमें ये 100% खरा है, और अभी आर्मी की तरफ से भी इसमें जो कैंटीन है CSD की तरफ से भी इसमें कोई अब प्रश्न नहीं है, क्योंकि उनको भी इस बारे में जो है जानकारी नहीं थी पूरी, तो हमने वो लैक ऑफ नॉलेज के कारण से वो प्रॉब्लम हुई और उसके बारे में मैंने एक संकेत किया। एक बात मैं आपको हनी के संदर्भ में कहना चाहता हूँ, आप में से जिन्होंने भी विदेशों में भ्रमण किया होगा, वहाँ ज़्यादातर लोग जो क्रिस्टलाइज हनी खाते हैं, अपने देश में शहद कहीं जम जाए तो बोलते हैं इसमें तो नकली होगा। हमने जो हमारा शहद का पैकिंग है उसके ऊपर या मोटे मोटे अक्षरों में लिखवाया हुआ है, जमना शहद का प्राकृतिक गुण है, और लोग न जाने किसने ट्रेनिंग दे दी है इसको फ्रिज में रखते हैं। लंबे समय तक जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे अथवा जब 2-3 डिग्री टेम्परेचर लंबे समय तक किसी भी भूभाग में रहेगा, वहां इसको क्रिस्टलाइज हो ही जाएगा।
क्योंकि जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की जो मात्रा है उसमें जो ठंड के कारण से उसमें जो रिएक्शन होता है तो जमना स्वाभाविक है। इस बार शायद एक या दो कंपनियां पतंजलि से आगे होंगी, और एक दो वर्ष अधिकतम बता रहा हूं, एक से दो वर्ष के कालखंड के अंतराल में पतंजलि देश का सबसे बड़ा स्वदेशी ब्रांड होगा। और ये ब्रांड मनी बनाने के लिए नहीं है, मनी मेकिंग मोटिव नहीं है, अपितु हम एक डिवाइन मैन बनाना चाहते हैं। हमारा मुख्य ध्येय अच्छा आदमी बनाना, और उसके लिए पतंजलि का हमने कहा कि 100% प्रॉफिट चैरिटी के लिए। इसलिए हमने इस बार का जो पूरा थीम रखा है अर्थ से परमार्थ, ट्रांसफेरिटी फॉर चैरिटी। और चैरिटी के हमारे तीन मुख्य कार्य हैं, एक शिक्षा एजुकेशन, दूसरा अनुसंधान रिसर्च, और तीसरा गो संवर्धन। पिछले दिनों सुकमा में जो हमारे सैनिक शहीद हुए उनके लिए हमने 2-2 लाख रुपए पतंजलि की ओर से भी सहायता दी। इससे पहले भी आपने देखा जब जब कोई देश के लिए सेवा करने का अवसर आया, चाहे वो शहीदों की शहादत का को सम्मान देने की बात हो या बाढ़ पीड़ितों की सेवा की बात हो, उत्तराखंड की आपदा की बात हो, तो हमने निर्णय किया है कि इस साल जो सैनिक शहीद हो जाते हैं उन सैनिकों के बेटे और बेटियों दोनों के लिए लगभग 1000 से अधिक की कैपेसिटी का एक पतंजलि आवासीय सैनिक स्कूल विद्यालय, उसको हम प्रारंभ कर देंगे। और उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी ही सैनिकों के बच्चे वहाँ पर शिक्षा पा सकेंगे। और ये चाहे वो हमारे BSF के जवान हैं या सेना के जवान हैं, और इसकी लोकेशन जो है कोशिश हम करेंगे कि NCR क्षेत्र के आस पड़ोस में हो, क्योंकि ज़्यादातर शहादत जहाँ के जवानों की होती है हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, यद्यपि पूरे देश का कोई भी सैनिक का परिवार का बच्चा होगा उसको हम लेंगे इसमें। तो ये पतंजलि आवासीय सैनिक स्कूल जो निशुल्क होगा सैनिकों के लिए, वो भी पतंजलि इस वर्ष शुरू करेगा। और पतंजलि का 100% प्रॉफिट वो चैरिटी के लिए है। श्रद्धेय आचार्य बाक्षण जी को या मुझको पतंजलि के 1 रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक के प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं। और त्याग भाव से स्वदेशी से राष्ट्र की सेवा के इस अभियान को हमने चलाया, आज भी चला रहे हैं। और आगे के लिए भी एक बात कह देता हूँ, पतंजलि आयुर्वेद से लेकर के जितने भी स्वदेशी के प्रकल्प हैं इनका आज भी पूरी तरह से सेवा में प्रयोग होगा इसके प्रॉफिट का। और हमारे जाने के बाद में भी पतंजलि का उत्तराधिकारी कोई व्यापारी नहीं होगा, अपितु कोई त्यागी तपस्वी सन्यासी ही इस अनुष्ठान को आगे भी बढ़ाएगा, जिससे कि यह कार्य इसी तरह से निरंतरता के साथ आगे भी चलता रहे। पतंजलि के संदर्भ में कुछ और बातें आपके बीच में रखना चाहता हूँ। अभी हम नए एंटरप्रेन्योर्स खड़ा करना चाहते हैं देश में, तो ये पतंजलि का जो अभियान है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमने 5 वर्टिकल फूड के फील्ड में हम लोग लेकर के आ रहे हैं। प्रतिदिन करीब 3000 टन आटा, मैंने महीने भर में करीब 1 लाख टन आटा, करीब 1 लाख टन बिस्किट, और इसी तरह से करीब 1 लाख टन एडिबल ऑयल, और करीब 1 लाख टन चावल। एक ये बड़ी रेंज हम लेकर के आ रहे हैं 5 वर्टिकल्स के माध्यम से, एक फूड, दूसरा घी और एडिबल ऑयल, खास करके उसमें सरसों के तेल, कच्चे घाने के तेल के साथ साथ फिजिकल रिफाइंड ऑयल, फिर राइस स्पाइस एंड पल्सेज। अभी स्पाइस में पतंजलि पूरी तरह से नहीं उतरा था,
हम थोड़ा थोड़ा उपलब्ध करा रहे थे, इस साल से स्पाइस भी पूरी मात्रा में पूरी शुद्धता के साथ हम उपलब्ध कराएंगे। बिस्किट एंड कन्फेक्शनरी, जूस और बेवरेजेस, ये पांच हमारे वर्टिकल होंगे। और नॉन फूड में एक स्किन केयर और हेयर केयर आदि, और दूसरा जो है हर्बल होम केयर का। आपकी जानकारी के लिए पतंजलि के कुछ बड़े ब्रांड्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। पतंजलि गाय का देसी घी ये 1467 करोड़ रुपए का पिछले वर्ष का टर्नओवर है। गाय के देसी घी का ये देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है, और पूरी शुद्धता और प्रामाणिकता के साथ हमने इसको आगे बढ़ाया। इसमें मार्केट लीडर है पतंजलि। मैं शेयर की भी बात करूं तो पतंजलि के आस पड़ोस में भी कोई नहीं है। दूसरा, दंतकांति 940 करोड़ रुपए के टर्नओवर के साथ यदि मैं शेयर की बात करूं तो करीब करीब जो है वो 14% के आसपास टूथपेस्ट की कैटेगरी में पहुंच चुका है। केशकांति जो हमारा ब्रांड है वो जो है हेयर केयर की कैटेगरी में है, जिसमें हम कई प्रकार के नेचुरल शैम्पू बनाते हैं और हेयर ऑयल बनाते हैं। ये हमारा 825 करोड़ रुपए का हो चुका है। और इसका भी आप यदि जो है मार्केट शेयर की बात करेंगे तो ये भी 15% भागीदारी अपने अपने ब्रांड के क्षेत्र में, जिसको कैटेगरी बोलते हैं उसके क्षेत्र में हो चुकी है। इसी तरह से हर्बल बाथ सोप पतंजलि ने 574 करोड़ रुपए के किए हैं, और कच्ची घानी सरसों का तेल ये हमने 522 करोड़ रुपए का किया है, इसमें लगभग मार्केट लीडर की स्थिति में है। हनी में भी पतंजलि मार्केट लीडर है। हनी में पतंजलि ने बहुत अच्छा किया है, इसमें 335 करोड़ रुपए किए हैं। और सरसों के तेल में कच्ची घानी का तेल लगभग लोगों ने खाना बंद सा कर दिया था, रिफाइंड ऑयल पर लगभग लोग शिफ्ट हो गए थे। लोगों को लगा कि नहीं, जो नेचुरल चीज़ें उनको हमें अडॉप्ट करना चाहिए, और अगले साल 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हमारा टारगेट है कच्ची घानी सरसों के तेल तेल में ही। पतंजलि का जो आटा है वो 407 करोड़ रुपए का हो चुका है, इसमें भी पूरे कंट्री वाइज सेकेंड नंबर पर पतंजलि है। और इसमें इस बार हमने करीब 8-9 नए वेरिएंट इसमें लॉन्च किए, मेसी आटा, मेथी आटा, सरबती आटा, डायबिटिक आटा और नवरत्न आटा, मल्टीग्रेन आटा, फिर बेसन और बहुत कुछ इसमें सूजी भी आगे लेकर के आ रहे हैं। तो ये इस साल तो हमारा बहुत बड़ा टारगेट है। मैं उसकी वैल्यू वाइज अभी एक एक चीज़ को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको सामान्य संकेत कर रहा हूँ कि 1,00,000 टन आटा महीने का, 1,00,000 टन बिस्किट जो अभी हमारा 380 करोड़ का ब्रांड है ऑलरेडी, 1,00,000 टन एडिबल ऑयल का। और पतंजलि हनी में मैंने कहा हमारी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है, इस बार हमने 335 करोड़ रुपए का किया है। ये 335 से मुझे लगता है इस बार 500-600 करोड़ रुपए से ये इस नए वर्ष में ये पतंजलि का हनी का ब्रांड होगा। एक दो बातें और इस संदर्भ में जोड़ना चाहता हूँ। सौंदर्य प्रसाधनों में खाली केमिकल्स का बोलबाला था। आप लोगों की जानकारी के लिए जो है मैं यदि इसके टोटलिटी में बात करूं तो जो पतंजलि का जेल है, पहले हिंदुस्तान में कुछ बड़े घरों की महिलाएं इसका प्रयोग कर पाती थी, और हमने इसमें भी ये दो वेरिएंट लॉन्च कर दिए हैं, एक केसर चंदन वाला और एक ये नॉर्मल वाला, और ये विदेशी कंपनियों से करीब 10 गुना सस्ता है। और इसके बावजूद हमने ये एलोवेरा जेल 155 करोड़ रुपए का किया है, 155 करोड़ रुपए का, और एलोवेरा जूस 172 करोड़ रुपए का किया है, जो कि मैंने कहा करीब 4-5 से लेकर के 10 गुना सस्ते में हमने उपलब्ध कराया जेल। और ये करीब 4-5 गुना, करीब 1000 से ज़्यादा में बेचती थी हमने 200 रुपए में, 5 से 10 गुना सस्ते में उपलब्ध कराया, तब जा करके ये ब्रांड हमारा 327 करोड़ रुपए का है। हिंदुस्तान में पहली बार हमने राख और नींबू से बर्तन बार बनाया, जिन महिलाओं के हाथ बेकार हो चुके थे उनके हाथ के लिए मानो उपहार जैसा वो काम आया, और वो डिशवाश बार में आज
पतंजलि का करीब 35% शेयर हो चुका है और अगले साल हमारा इरादा है कि 60-70% शेयर पतंजलि का होगा। मैंने आपको थोड़ा सा डिशवाश बार के बारे में बताया, जिसका मार्केट ही करीब 400 करोड़ रुपए का, उसमें 148 करोड़ रुपए का पतंजलि ऑलरेडी हो चुका है। हमने हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, कॉम्प्लोन आदि का भी एक स्वस्थ विकल्प दिया था, जो अभी करीब 125 करोड़ रुपए का, 122 करोड़ रुपए का पावर विटा ब्रांड हो चुका है और अगले साल हमारा लक्ष्य होगा कि हम इसको 400 से 500 करोड़ रुपए तक ले जा सकें, क्योंकि इसमें एक छत्र राज था विदेशी कंपनियों का। ब्रेकफास्ट सीरियल्स में भी केलॉग्स का एक छत्र राज था, उसको भी पतंजलि तोड़ रहा, और 100 करोड़ रुपए से ऊपर का जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स का भी ब्रांड पतंजलि का हो चुका है। इसी तरह से सौंदर्य प्रसाधनों में विदेशी कंपनियों के क्रीम पाउडर लगा लगा करके लोग बावड़े हो रखे थे। सौंदर्य प्रसाधनों में भी 231 करोड़ रुपए का पतंजलि ने हर्बल, जो हमारे कॉस्मेटिक हैं सौंदर्य ब्रांड के नाम से, फेस वॉश की कैटेगरी में तो जो है पतंजलि ने 15-20% का शेयर ऑलरेडी ले लिया है और इसमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये भी हमारा 228 करोड़ रुपए का ब्रांड हो चुका है ऑलरेडी। इसी तरह से अलग अलग, चाहे वो हर्बल वॉशिंग पाउडर और केक है या और, पतंजलि के मैंने कहा करीब 500 ब्रांड्स हैं, मैं सबकी चर्चा करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा। कहते हैं विदेशी कंपनियां पूंजी लेकर के आती हैं, ये भ्रम फैलाए गए, टेक्नोलॉजी लाती है, हमारे यहाँ पर कंपटीशन बढ़ाती है, हमारे यहाँ पर रोजगार बढ़ाती है, एक्सपोर्ट को बढ़ाती है, ये सारे झूठ का हमने पर्दाफाश किया है और देश के लोगों से एक ही बात कही है कि पतंजलि क्यों नहीं, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, अफोर्डेबल प्राइस, और जो भी प्रॉफिट हो सारा देश के लिए। 200 से ज्यादा साइंटिस्ट हमने इस बात के लिए रखे और अभी तो प्रोडक्ट से लेकर के आयुर्वेद की दवाओं में भी अनुसंधान का कार्य करेंगे। हमारे राष्ट्र के गौरव, जिनको हमने बहुत ही प्रेम से राष्ट्र ऋषि के नाम से सम्मान दिया और उस ऋषि परंपरा को प्रतिनिधित्व करते हैं, भगवान के एक वरदान के रूप में, एक ऋषि आत्मा के रूप में भारत को मिले हैं, इसलिए हमने उनको राष्ट्र ऋषि के नाम से संबोधित किया, सम्मान दिया। मोदी साहब ने भी देखा कि आयुर्वेद के क्षेत्र में जो 70 सालों से नहीं हुआ था हिंदुस्तान में, कोई भी गवर्नमेंट का कोई मिनिस्ट्री हो या कोई कॉर्पोरेट हाउस हो, किसी ने आयुर्वेद में एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक की जो साइंटिफिक जर्नरी है ड्रग डिस्कवरी के लिए, ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, उसके ऊपर काम नहीं किया था, पतंजलि उसमें काम शुरू किया। 200 से ज्यादा हमारे पास में साइंटिस्ट हैं, हर प्रोडक्ट के ऊपर साइंटिफिकली रिसर्च होता है और नए शास्त्रों की संहिताओं की रचना, विश्व भेषज संहिता आदि, निघंटु आदि, एक बड़ा कार्य पतंजलि की ओर से चल रहा है। मैंने ये बातें इसलिए आपके बीच में रखी कि पतंजलि कोई कॉर्पोरेट हाउस नहीं है, पतंजलि 125 करोड़ भारतीयों की कंपनी है, पतंजलि 125 करोड़ भारतीयों का संस्थान है, उनकी संस्था है, उनका संगठन है, और ये पतंजलि इसी गति के साथ आगे प्रगति करता रहेगा। जम्मू कश्मीर में पिछले करीब 5-6 महीनों से कानूनी कार्रवाई और जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो चल रही हैं, हमें आशा और विश्वास है बहुत जल्दी ही जम्मू कश्मीर में भी पतंजलि को जगह मिल जाएगी और वहाँ पर भी पतंजलि की यूनिट लग जाएगी। हमको कहीं से किसी से भय नहीं है, हमारे लिए जम्मू कश्मीर कोई विदेश नहीं है, अपना देश है, अपने लोग हैं। नहीं, लोग बाबा जी से नाराज थोड़ी हैं, मैं असरकारी बाबा हूँ, सरकारी बाबा नहीं हूँ। एक्सपोर्ट के लिए नागपुर में SEZ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बहुत बड़ी यूनिट बन रही है और अगले साल से बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट भी चालू हो जाएगा। ऑनलाइन में इस साल से हम थोड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। हमने ये सरकार से भी कहा है कि 100 रुपए से ज़्यादा बटर का भाव बढ़ चुका है, आप चेक कर लो। अब इसीलिए तो महंगा करना पड़ा, मिलावट तो करनी नहीं है। अभी भी पतंजलि का प्रॉफिट 5-7 रुपए का होता है, रुपयों में होता है वो, 5-10 रुपए प्रतिशत में नहीं। इसलिए पतंजलि का जो गाय का घी है वो 100-125 रुपए बटर महंगा होने से महंगा हुआ है, मुनाफा कमाने के लिए नहीं। ये भी बात मैं इसलिए बहन ने पूछ लिया,
आपको जानकारी में नहीं होता, क्योंकि घी का भाव तो आपको पता लग जाता है, बटर का मैंने बता दिया आपको, और ये तो सारा ऑफिशियल रेट उसके और खुलते हैं, और पतंजलि सबसे बड़ा बायर होने की वजह से उसमें फिर मोनोपोली करते हैं थोड़ा सा बटर वाले। बटर देखो कर्नाटक आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा इसका स्थान है, क्योंकि वहाँ पर भैंसें नहीं होती हैं दक्षिण कर्नाटक में, और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में और केरल में, तो वहाँ गायों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और गाय का बटर का सबसे बड़ा कलेक्शन सिस्टम बहुत अच्छा है। तो अपना जो हम बटर का दूध कलेक्शन करते हैं उससे तो इतना घी नहीं बना सकते, इसलिए बटर खरीदते भी हैं, बटर बनाते भी हैं। अभी तक लिस्टिंग के बारे में कुछ भी विचार नहीं किया है, जब विचार करेंगे तब श्रद्धेय आचार्य वार्षण जी ज़रूर बता देंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।